सिंपल एज दैट. तो यू मस्ट हैव बोथ द बुक्स डेली इन द क्लासरूम. नेक्स्ट टाइम क्या लिखा बोर्ड पे? जोर से, फिर से, चिल्ला के. सजा वाले बच्चे गुस्से में घूर के देखो मुझे, बद्दू आए तो. कौन से टाइप? पोजेसिव. सुनो ध्यान से, पोजेसिव शब्द बनाए बेटा पोजेशन से. किसे? चश्मे वाले डायलॉग बाद में मार लियो, सुन ले पहले. पोजेसिव शब्द किससे बनाए? पोजेशन से. वो चश्मे वाला जरूरी है कह रहा होगा मैं तो बच गया, देख मैं बैठ गया था. एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो चूक जाता है, फिर वो अपने कॉलर खड़े कर करके दोस्तों को बताता है. कुछ नहीं होगा उससे, एक दिन चूक लेगा, दो दिन चूक लेगा, गलत आदमी तो फंसेगा ही. पोजेसिव शब्द किससे बना? पोजेशन से. पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखान, अधिकार अधिकार नहीं, रिलेशन भी आता है इसमें. पोजेशन जो शब्द होता है ना बेटा, वो इंग्लिश में अधिकार भी दिखाता है और रिलेशन भी दिखाता है. अधिकार और रिलेशन का फर्क नाउन केस में बताया था, याद है? अधिकार निर्जीव पे और रिलेशन सजीव पे. पेन पे मेरा अधिकार है, तुमसे मेरा संबंध है, समझ गए? पर इन दोनों के लिए ना इंग्लिश में आएगा माय ही. माय पेन, माय क्लास, माय माइक, माय स्टूडेंट्स. आएगा माय, चाहे पोजेशन दिखा लो चाहे रिलेशन, चाहे पोजेशन दिखा लो चाहे माय के अलावा आर, योर, हिज, हर, देयर. इट्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता तो लिख नहीं रही हूं, एरर नहीं आते उसके. इसी तरीके से पोजेसिव होता है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स. एक बार सारे बच्चे सभी शब्दों को पढ़ेंगे ईमानदारी से. अब पेपर में कैसे आएगा? देखो ये तो हम समझ गए कि इन शब्दों का काम ना अधिकार दिखाने का है. ये कहीं भी आएंगे तो क्या दिखाएंगे? अधिकार दिखाएंगे. मेरा कहेंगे, हमारा कहेंगे, उसका कहेंगे. पोजेशन की फीलिंग आएगी या रिलेशन की फीलिंग आएगी. अब एग्जामिनर जब पूछता है तो एक हल्के से बेसिक पे क्वेश्चन बनता है, जैसे ये जो शब्द है ना बेटा, ये होते हैं पोजेशन दिखाने वाले एडजेक्टिव्स, अधिकार सूचक विशेषण, पोजेशन दिखाने वाले एडजेक्टिव. और ये होते हैं पोजेशन दिखाने वाले प्रोनाउन, यानी अधिकार सूचक सर्वनाम. अब इन दोनों में फर्क क्या है मैम? एरर कैसे बनेगा? लॉजिक क्या है? कान खोल के ध्यान से सुनना. एडजेक्टिव इंग्लिश में हमेशा नाउन के साथ आता है और प्रोनाउन इंग्लिश में कभी भी नाउन के साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है. प्रोनाउन आता है नाउन की जगह पे और एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ. आपका एग्जामिनर पता है क्या करेगा? प्रोनाउन लगाएगा नाउन के साथ और एडजेक्टिव लगाएगा नाउन के बिना. तो तुम्हें पेपर में बस ये पहचानना है कि अगर एडजेक्टिव आए तो नाउन भी आए, अगर प्रोनाउन आए तो नाउन बिल्कुल भी ना आए. कैसे मैम? देखो मैंने कहा आर इज अ वेरी बिग कंट्री. सेम चीज एक दिन पहले भी पढ़ाई थी, तब भी ऐसा ही लिखा था, जान के सेम लिखा है ताकि जो उस दिन क्लास में थे वो बता सकें गलती. मैं कह रही हूं हमारा देश बहुत बड़ा है. आर शब्द दिख रहा है किस तरफ है? कब आएगा? क्या इसके साथ नाउन है? इज तो वर्ब है, नाउन तो किसी का नाम होता है. कैसे आएगा नाम? ऐसे आएगा जैसे हम कहते हैं आर. अब इस आर के साथ क्या आया? नाउन. तो ये एडजेक्टिव होना ही चाहिए, जैसे माय पेन, जैसे हिज मदर, जैसे योर फादर, तो नाउन होना ही चाहिए. लेकिन अगर शब्द इस लिस्ट का है तो नाउन नहीं होना चाहिए. यहां इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, यानी शब्द यहां का नहीं, शब्द कहां का होना चाहिए? तो आर का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? ऐसे आएगा पेपर में और तुम्हें ठीक करना है.